हमीरपुर के बाद स्कूल खेल मैदान में पिछले कई महीनों से गायब तिरंगा को दोबारा लगाने के लिए एनएसयूआई हमीरपुर इकाई ने कमर कस ली है। हमीरपुर एनएसयूआई इकाई के सदस्यों ने तिरंगे को लगाने के लिए मिशन तिरंगा के तहत पैसों का प्रावधान किया जा रहा है, जिसके चलते पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। करीब 2.5 लाख रूपए से तिरंगे को लगाने के लिए एनएसयूआई दिन रात जुटी हुई है और एनएसयूआई के हर सदस्य तिरंगे के लिए खर्चा जोड़ रहे हैं ताकि जल्द से जल्द तिरंगे को लगाया जा सके। हमीरपुर के बाद स्कूल खेल मैदान में पिछले कई महीनों से गायब तिरंगा को दोबारा लगाने के लिए एनएसयूआई हमीरपुर इकाई ने कमर कस ली है। हमीरपुर एनएसयूआई इकाई के सदस्यों ने तिरंगे को लगाने के लिए मिशन तिरंगा के तहत पैसों का प्रावधान किया जा रहा है, जिसके चलते पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। करीब 2.5 लाख रूपए से तिरंगे को लगाने के लिए एनएसयूआई दिन रात जुटी हुई है और एनएसयूआई के हर सदस्य तिरंगे के लिए खर्चा जोड़ रहे हैं ताकि जल्द से जल्द तिरंगे को लगाया जा सके। एनएसयूआई के बैठक में पहुंचे प्रदेशाध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर ने भी तिरंगे के गायब होने पर चिंता जाहिर की है। एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर ने दुख जताते हुए कहा कि हमीरपुर में तिरंगा काफी समय से गायब है और एनएसयूआई तिरंगा लगाने के लिए काम करेगी। उन्होंने रोष जताते हुए कहा कि जिला प्रशासन तिरंगा लगाने में असफल हो रहा है, जिससे सभी को मलाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई ने मिशन तिरंगा के माध्यम से चंदा इकट्ठा करके तिरंगे को लगाने के लिए सभी पदाधिकारी जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति नहीं करते, बल्कि लोगों के बीच जाकर काम करते हैं, जो कि जल्द ही तिरंगे को लगाकर लोगों को समर्पित किया जाएगा। इस अवसर पर एनएसयूआई जिला अध्यक्ष टोनी ठाकुर भी मौजूद रहे। यह जानकर बेहद दुख हुआ कि भाई हमारे पूर्व में रहे भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष और माननीय सांसद श्री अनुराग जी, जब हमने सुना था कि वो जम्मू कश्मीर में भी लाल चौक पर तिरंगा फहराने जा रहे थे, बड़े दुख की बात है कि आप जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराना चाह रहे हैं, यहाँ पे स्थानीय जगह में आपकी 133 फीट जो ऊंचा झंडा है वो नहीं है। इसको लेकर एनएसयूआई ने एक मुहिम चलाई है मिशन तिरंगा, जिसमें एनएसयूआई कलेक्शन भी करेगी और रिसोर्सेज से भी करेगी। अगर प्रशासन हमीरपुर में तिरंगा नहीं लगा सकता है तो हम कोशिश ही नहीं, हमारा ये संपूर्ण प्रयास रहेगा, क्रमबद्ध रूप से हम प्रयास करेंगे और इस प्रयास को हम सफल भी बनाएंगे कि आने वाले टाइम में इस मिशन तिरंगा को हम हमीरपुर की जनता में तिरंगा देकर समर्पित भी करेंगे। ये जब हमारे स्थानीय जिला अध्यक्ष ने डीसी मोदी के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा था और उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने खर्चे का प्रावधान नहीं है, तो उनसे पूछा कि भाई कितना खर्चा लगेगा, तो 2.5 लाख के करीब उन्होंने कहा कि 2.5 लाख का इसका जो बजट है वो लगभग 2.5 लाख है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि भाई जल्द से जल्द, जब भी हमारे पास ये बजट इकट्ठा हो जाए, तो हम हमीरपुर की जनता को एनएसयूआई की जितनी भी कार्यकारिणी है टोनी ठाकुर की अध्यक्षता में झंडा समर्पित करेंगे, क्योंकि झंडा नेशनल फ्लैग इज आवर रिलीजन। हम इस धर्म पर विश्वास करते हैं और तिरंगे के लिए हम हमेशा समर्पित हैं। हम फर्जी राष्ट्रवाद नहीं जो बोलते हैं, हम करके दिखाएंगे और आप विश्वास रखिए बहुत जल्द हमीरपुर में हम तिरंगा लोगों को फहराते हुए दिखाएंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।